नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले यानी तारीख थी 19 सितंबर 2024, हरियाणा के रोहतक का सोनीपत और बलियाना मोड़ पर है। वहां पर कुख्यात गैंगस्टर सुमित पलोट्रा, जिसका गांव रोहतक का बोहर है, उसके बड़े भाई अमित नांदल समेत 3 लोगों की हत्या 8 बदमाशों ने गोली मारकर कर दी थी। इस पूरे मामले में उनके विरोधी गैंग यानी गैंगस्टर राहुल बाबा ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी और उसने बदली की बात कही थी। इस पूरे मामले में गैंगस्टर राहुल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन राहुल बाबा कहां पर छिपा हुआ है, अभी तक पुलिस को किसी भी तरह से कोई इनपुट राहुल बाबा के मामले में नहीं मिला है। लेकिन जो चार बाइकों पर 8 बदमाश आए थे, उनमें से 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस को कामयाबी मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम उन 3 बदमाशों के बारे में बताएंगे कि आखिर वो 3 बदमाश कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी से अब क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। तीसरा गैंगस्टर राहुल बाबा, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, यानी हम उसी के हिसाब से देखें सोशल मीडिया पर, तो वो कहां पर है, क्योंकि उसके बारे में अलग अलग बातें निकल कर लगातार सामने आ रही हैं। और एक बात कि सुमित पलोट्रा को अपने भाई के 13वीं पर जेल से पैरोल मिला था और वो अपने घर पर आया था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने घर पर है, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ से उसे वापस जेल भेज दिया गया। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गिरफ्तारी के बारे में बताएं तो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो रोहतक के बलियान मोड़ स्थित शराब के ठेके पर 13 हत्याकांड को अंजाम दिए थे। इनमें से एक का नाम कशिश है, दूसरे का नाम मोनू है और तीसरे का नाम कपिल है। कशिश जो है वो रोहतक के सलारा मोहल्ला का रहने वाला है, जबकि कपिल जो है वो देरी मोहल्ला का रहने वाला है और सोनू एकता कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने इन 3 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां पर सोनू को 5 दिन का और आरोपी कपिल और कशिश, इन दोनों के 4-4 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है। आरोपियों से हत्या की वजह और कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी। तो साफ तौर से दोस्तों, ये देखिए तस्वीर, 3 ये बदमाश हैं जिन्होंने उस दिन अपने और साथियों के साथ मिलकर गैंगस्टर सुमित पलोट्रा के बड़े भाई अमित नांदल और मोनू की हत्या की थी और वहां से फरार हो गए थे, और इसके बाद वो लगातार यहां से वहां फरारी काट रहे थे। यानी कि शूटरों की जो पहचान अभी तक निकल कर सामने आई है, सोनू, कपिल और कशिश, ये 3 शूटर राहुल बाबा गैंग के हैं या फिर कहाँ के हैं, ये सारी पूछताछ जो कल से शुरू होने वाली है और आज से ही पूछताछ शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस को जो रिमांड मिला है वो आज से ही मिला है। जाहिर सी बात है, इनमें से 1 बदमाश का 5 दिन का और 2 बदमाश का 4-4 दिनों का रिमांड मिला है। इसमें पुलिस बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश करेगी और इन 3 शूटरों की गिरफ्तारी के बाद ऐसे बहुत सारे राज अब निकल कर सामने आएंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं छिपे हुए थे और लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे। तो देखिए, इस हत्याकांड की वजह तो सभी को पता है कि हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया। गैंगस्टर राहुल बाबा और सुमित पलोट्रा के बीच में आपसी गैंग वॉर, कुछ लोग कहते हैं कि इनका गाँव से ही कोई आपसी रंजिश चली आ रही है। इनके गांव के लोगों की माने जो हमें अलग अलग तरह से मैसेजेस भेजकर बताते हैं इनके बारे में, तो सबकी अलग अलग राय होती है। सबकी अलग अलग राय देखा जाए तो कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इन दोनों के बीच में गैंग वॉर जो है बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। आज से करीब 7 साल पहले का वो वाक़या था, जब 13 की बात है, जब हरियाणा के कोर्ट में गोलियां चली थी। ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन आज इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो बातें चल रही हैं उन बातों पर चर्चा करना ज़रूरी है। हमारे कई सारे भाई कमेंट बॉक्स में नाराज लग रहे हैं और अलग अलग बातें बता रहे हैं कि भाई पूरी बात नहीं पता है आपको, नहीं बताया करो वगैरह वगैरह। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि इस गैंग वॉर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, समाचार पत्र, टीवी चैनल या फिर अपने अपने स्रोतों से मैंने हासिल की थी, वही जानकारियां हम आपको बता रहे थे। और हमने आपसे ये भी अनुरोध किया था कि अगर आपको कोई जानकारी पता हो तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, इन सब जगहों पर भेज सकते हैं, हम आपके द्वारा दी गई जानकारियों को हम आपके समक्ष रखेंगे। तो उन्हीं से बहुत सारे लोगों ने जानकारियाँ साझा की हैं कि गैंगस्टर सुमित पलोट्रा, दरअसल कहा जा रहा है कि जब उसके भाई की 13वीं थी तो उसे रोहतक की सुनारिया जेल से परोल मिली थी और भारी सिक्योरिटी के बीच में उसे पुलिस वाले लेकर आए थे, और जितना विधि विधान होता है अंतिम संस्कार के बाद 13वीं का,
सारे विधि विधान में वो शामिल हुआ और वापस उसे रोहतक की सुनारिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया। राहुल बाबा को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल बाबा बहुत सारे ही लोग मैसेज भेज रहे हैं कि वो इस वक्त विदेश भाग चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विदेश भागने का उसका अभी कोई इनपुट नहीं मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल बाबा हरियाणा के सुनारिया जेल में बंद हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनारिया जेल में राहुल बाबा को लेकर अभी तक ऐसी कोई बातें निकल कर सामने नहीं आई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राहुल बाबा की जमानत हुई थी। राहुल बाबा को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो तीन शूटर गिरफ्तार हुए हैं, इन तीन शूटरों से पूछताछ के बाद पुलिस को क्या कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो इंतज़ार करिएगा, आज इनसे पूछताछ चल रही है, कल की जो जानकारियां निकल कर सामने आएंगी पूछताछ के बाद, तो बहुत सारे खुलासे इस केस में होने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, ये गैंग वॉर कहीं ना कहीं देखें हम लंबे वक्त से जो चला रहा है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। आगे बदले की भावना को लेकर जिस तरह से कभी एक गैंग दूसरे पर वॉर करती है, दूसरी गैंग फिर बदला लेती है, तो इस तरह से ये खेल जो शुरू हुआ है, ये खेल ख़त्म कहाँ पर होगा, ये देखना बड़ा अहम होगा। तो फिलहाल आप बने रहिए, कल के वीडियो में हम आपको बहुत सारी बातें इस केस से जुड़ी हुई बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय श्री महाकाल।